नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके परिवार इनोवेशन स्टडी चैनल में। आशा करता हूं आप बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। चलिएगा, बहुत बढ़िया। सभी दोस्तों को गुड इवनिंग, सभी दोस्तों को राम राम, सभी दोस्तों को सत श्री अकाल भी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी डेली क्लास रहती है शाम 8 बजे, जिसमें हम राजस्थान पुलिस के लिए सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं और उसमें हमारी 15 क्लास ही हो चुकी है और प्रत्येक क्लास में अपन 50 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। तो चलेगा, आज हमारी 16 नंबर क्लास रहेगी। और रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ और उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी। चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा आज की क्लास का आपके सामने है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ठोस संघनक है? ऑप्शंस है इंडियन, जर्मेनियम, गंधक या फिर ग्रेफाइट। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ग्रेफाइट, एक ठोस संघनक है, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। क्वेश्चन है, एक सफेद ठोस पदार्थ ए गर्म करने पर एक ही गैस निकालता है जो चूने के पानी को दूधिया बना देता है। बचा हुआ पदार्थ गर्म अवस्था में पीला रहता है लेकिन ठंडा होने पर सफेद हो जाता है। तदनुसार वह ठोस ए क्या है? जिंक सल्फेट या फिर जिंक कार्बोनेट या फिर लीड सल्फेट या फिर लीड कार्बोनेट। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा जिंक कार्बोनेट, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। थ्री नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। क्वेश्चन है, पानी में लटके हुए कोलाइडिक कण किस प्रतिक्रिया से हटाए जा सकते हैं? स्कंदन, निस्यंदन या फिर अधिशोषण या फिर अवशोषण। तो थ्री नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा स्कंदन, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, फोर नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रतिक्रिया से हटाए जाते हैं? वायु मिश्रण, क्लोरीनीकरण या फिर निस्यंदन या फिर चूना सोडा उपचार। तो चार नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा वायु मिश्रण, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट फाइव नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सबसे सशक्त स्कंदन है? मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड या फिर बेरियम क्लोराइड। तो फाइव नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा मैग्नीशियम सल्फेट, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, सिक्स नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। क्वेश्चन है, पादपों द्वारा अवशोषित जल का अतिरिक्त अंश किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है? प्रासरण के द्वारा, विसरण के द्वारा, वात्पोत्सर्जन के द्वारा या फिर वाष्पन के द्वारा। तो छः नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा वात्पोत्सर्जन के द्वारा, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से ऊष्मा का अच्छा चालक लेकिन विद्युत का खराब चालक कौन सा है? एस्बेस्टोस या फिर सेलुलॉइड या फिर पेराफिन मोम या फिर अब्रक। तो आपका राइट आंसर होगा अब्रक, जो कि ऊष्मा का तो अच्छा चालक है लेकिन विद्युत का खराब बैड कंडक्टर है, तो वो हो जाएगा अब्रक। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आठ नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, उच्च जवर की स्थिति में जवर को नीचे लाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? जवरीय, जवरोधी, प्रतिजैविक या फिर पुतिरोधी। तो आठ नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा जवरोधी, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नाइन नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। स्वचालित वाहनों के रेडिएटर में प्रतिहीम के रूप में, ये यहाँ पे प्रतिहीम है, ठीक है ना, प्रतिहीम के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? मेथिल एल्कोहल का या फिर एथिल एल्कोहल का या फिर एथिल एल्कोहल और जल या फिर मेथिल एल्कोहल और जल। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा मेथिल एथिल एल्कोहल और जल, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। एथिल एल्कोहल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो होता है C2H5OH, ये इसका एथिल एल्कोहल का केमिकल फॉर्मूला होता है C2H5OH, और H2O का प्रयोग है वो किया जाता है, रेडिएटर से इंजन को ठंडा रखा जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल है एक क्षारिकी या फिर द्विक्षारिकी या फिर त्रिक्षारिकी या फिर चतुक्षारिकी। तो आपका राइट आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल है वो द्विक्षारिकी है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने, क्वेश्चन है जैव डीजल अधिकतर किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है, मालवेसी, लिली एसी या फिर U4BSE या फिर मर्टेसी। तो 11 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मालवेसी, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेट्रोफा के बीज से अगर आपसे पूछ ले भी जैव डीजल है वो किससे बनाया जाता है, तो जेट्रोफा एक पौधा होता है, जेट्रोफा के बीज से जैव डीजल बनाया जाता है भी, ठीक है ना। 12 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, क्वेश्चन है गंदे पानी के उपचार में अवसाद होज का क्या कार्य है, जलांश को हटाना, गंदे पानी को वातित करना या फिर निलंबित ठोस पदार्थ को हटाना या फिर गंदे पानी को विसंक्रमित करना। तो 12 नंबर के ऑप्शन में आपका राइट आंसर हो फ्रेंड्स वो हो जाएगा निलंबित ठोस पदार्थ को हटाना, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, क्वेश्चन है दूध के वितरण से पहले उसे स्थिर करने और रोगजनक बैक्टीरिया को निकालने के लिए किया जाने वाला ऊष्मा उपचार कहलाता है, समांगीकरण या फिर पाश्चुरीकरण या फिर किण्वन या फिर स्कंदन। तो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पाश्चुरीकरण, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। पाश्चुरीकरण की क्रिया में दूध को 73 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड गर्म किया जाता है भी, ठीक है ना, याद रखना 15 सेकंड तक उसको गर्म किया जाता है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है भी पाश्चुरीकरण क्रिया में दूध को गर्म किया जाता है तो 73 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड तक उसको गर्म किया जाता है, ठीक है, तथा उसके बाद में उसको क्या है 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 सेकंड तक गर्म किया जाता है और उसके बाद में दूध को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, इस क्रिया को ही पाश्चुराइजेशन कहा जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो अभी 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जल में कठोरता पैदा करने वाले दो धातु आयन बताने आपको, दो धातु आयन सोडियम मैग्नीशियम, कैल्शियम मैग्नीशियम, सोडियम कैल्शियम या फिर सोडियम पोटेशियम। तो आपका राइट आंसर होगा वो हो कैल्शियम मैग्नीशियम, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, घरों की रसोइयों और स्नान घरों के द्रव अपशिष्ट को कहते हैं, कचरा, घरेलू वाहित मल या फिर तूफानी जल या फिर मल जल। तो आपका राइट आंसर होगा उसे हम मल जल या फिर मलिन जल कहते हैं, ठीक है, मल जल इसका दूसरा नाम होता है मलिन जल, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर लेकर चलता हूँ, 16 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है, क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी धातुएं पारिस्थितिकी में जैव आवर्धन समस्या में योगदान करती है, लेड, मर्करी, क्रोमियम, कॉपर। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा मरकरी, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगी। अगला क्वेश्चन देखो भी 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है एक तार के प्रतिरोध के बारे में गलत कथन, कौन सा स्टेटमेंट है जो कि एक रोंग है, यह तार की सामग्री पर निर्भर करता है या फिर यह तार की लंबाई के सीधे अनुपात में होता है या फिर यह तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र के सीधे अनुपात में होता है या फिर ताप में वृद्धि के साथ धातु तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा यह तार की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र के सीधे अनुपात में होता है, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, वह तत्व जो प्रकृति में नहीं होता लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है क्या है, थोरियम, रेडियम या फिर प्लूटोनियम या फिर यूरेनियम। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा प्लूटोनियम, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, जो कि प्रकृति में नहीं होता लेकिन इसे कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है नाइट्रोजन की आयनीकरण ऊर्जा ऑक्सीकरण की आयनीकरण ऊर्जा से अधिक है, क्यों, नाइट्रोजन में उच्च आबंध वियोजन ऊर्जा है या फिर लघु परमाणु त्रिज्या या फिर स्थिर आधा भरा हुआ 2p उपस्तर या फिर उच्च नाभिकीय आवेश। तो आपका राइट आंसर होगा उच्च आबंध वियोजन ऊर्जा, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है लोहे एसक से लोहे की विनर्यास में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित होती है, उपचयन या फिर अपचयन या फिर प्रभाजी आसवन या फिर विद्युत अपघटन। तो 20 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा अपचयन, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा।
21 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिक सांद्रता के कारण क्या होता है? सुपोषण होता है, कठोरता होती है, क्षारकता या फिर अम्लता। तो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सुपोषण, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, दिष्टकारी का प्रयोग परिवर्तन करने के लिए किया जाता है, दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में, या फिर प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में, या फिर उच्च वोल्टता को न्यून वोल्टता में, या फिर न्यून वोल्टता को उच्च वोल्टता में। तो आपका राइट आंसर हो फ्रेंड्स वो हो जाएगा जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उसको दिष्ट धारा में, यानी एसी को डीसी में चेंज करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दिष्टकारी का प्रयोग किया जाता है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, 23 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है, पिंगला हुआ सोडियम क्लोराइड किसकी मौजूदगी के कारण विद्युत का चालन करता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, या फिर मुक्त अणु के कारण, या फिर मुक्त आयन के कारण, या फिर मुक्त परमाणु के कारण। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा मुक्त आयन के कारण, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। मुक्त आयन के कारण पिंगला हुआ सोडियम क्लोराइड है वो विद्युत का चालन करता है। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है, क्वेश्चन है भिन्न भौतिक गुणधर्मों वाले पर भिन्न भौतिक गुणधर्मों वाले परंतु संभावना रासायनिक गुणधर्मों वाले तत्व कहलाते हैं, समस्थानिक, अपरूप, समावयवी या फिर सम न्यूट्रॉनिक। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा अपरूप, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अपरूप होता क्या है? तो अपरूप भिन्न भौतिक गुण धर्मों वाले परंतु समान रासायनिक गुण धर्मों वाले तत्व अपरूप कहलाते हैं। ठीक है, साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें भी, और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में ताकि सभी दोस्त जुड़े, पढ़ने और पढ़ाने का मजा आए और हमारा भी मोटिवेशन बना रहे भी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जैसे ही क्लासें लगे तो उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। डेली क्लास रहती है अपनी शाम 8 बजे, ठीक है, प्रत्येक क्लास में अपन 50 क्वेश्चन करते हैं और 15 क्लासें हो चुकी है। अगर वो पीछे वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा भी, ठीक है ना, वहाँ से जाकर के पीछे वाली क्लासें भी देख लीजिएगा और वैसे आपको प्लेलिस्ट में सारी की सारी क्लासें मिल जाएगी। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है, जल में क्षार मिलाने का प्रभाव है, एज पॉजिटिव आयन सांद्रता OH नेगेटिव आयन से अधिक होती है, या फिर OH नेगेटिव आयन की सांद्रता है वो एज पॉजिटिव आयन से अधिक होती है, या फिर एज पॉजिटिव तथा OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता बराबर होती है, या फिर pH है वो अपरिवर्तित रहता है। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा जल में क्षार मिलाने पर OH नेगेटिव आयन की सांद्रता एज पॉजिटिव आयन की सांद्रता से अधिक होती है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, हेक्सावेलेंट क्रोमियम किसके बहिस्त्राव से किसके बहिस्त्राव में प्रबलता से मौजूद होता है? श्रम शोधन शालाएं, या फिर दुग्धशालाएं, शर्करा उद्योग, या फिर मद्य निर्माण शालाएं। तो 26 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा श्रम शोध शालाएं, श्रम शोधन शालाएं, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है सुपोषण किसके आधिक्य से होता है? नाइट्रोजन से, कॉपर से, या फिर फॉस्फेट से, या फिर मरकरी से। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा फॉस्फेट, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ताप अपघटन किसके निपटान के लिए अपनाई जाने वाली विधि है? नगर पालिका ठोस अपशिष्ट, या फिर जोखिम अपशिष्ट, या फिर द्रव अपशिष्ट, या फिर रंगरेज का पंक। तो 28 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जोखिमी अपशिष्ट, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने, सिडेराइट किसका आयशक है? एल्यूमिनियम का, आयन का, कॉपर का, या फिर टिन का। तो 29 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आयरन का, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। सिडेराइट को हम लिखते हैं FeCO3, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला अगर आपसे पूछ ले भी सिडेराइट का केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र बताओ, तो हो जाएगा FeCO3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, फुलेरिन एक नया खोजा गया क्रिस्टलीय
कार्बन अपरूप है, इसके 7 कार्बन परमाणु होते हैं, या फिर 40 कार्बन परमाणु, या फिर 100 कार्बन परमाणु, या फिर 80 कार्बन परमाणु। तो इसमें 60 कार्बन परमाणु होते हैं, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। क्वेश्चन है, वह धातु कौन सी है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है। ऑप्शन है एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड या फिर आयरन। तो एल्यूमिनियम है वह धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है। तो एल्यूमिनियम आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। वर्मी कंपोस्टिंग के लिए कंपोस्टिंग मिश्रण की अधिकतम सांद्रता मात्रा है 30% या फिर 35% या फिर 40% या फिर 65%। तो आपका राइट आंसर होगा 65%, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जल के उपचार में ओजोनन की प्रक्रिया को कहते हैं अक्षेपण, विसंक्रमण, आयनीकरण या फिर अवसादन। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा विसंक्रमण, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। पेय जल में अपशिष्ट क्लोरीन की अनुमत सांद्रता मिलीग्राम प्रति लीटर में आपको बतानी है 0.2 या फिर 0.05 या फिर 1 या फिर 5। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 0.2 मिलीग्राम पर लीटर, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है, ड्यूटेरियम या फिर पोलोनियम या फिर ट्राइटियम या फिर यूरेनियम। तो 35 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ट्राइटियम, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, जो हाइड्रोजन का समस्थानिक है। अगला क्वेश्चन देखिए। 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। फोटोग्राफिक फिल्मों को डेवलप करने में प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन कौन सा है, रजत ब्रोमाइड, हाइपो सोडियम सल्फेट, हाइड्रोक्विनोन। तो 36 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हाइपो, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। जल और एल्कोहल के एक मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है, फिल्टरण के द्वारा या फिर वाष्पन के द्वारा या फिर निस्तारण के द्वारा या फिर आसवन के द्वारा। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आसवन, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव जैव निम्नीकरण है, कागज, DDT या फिर एल्यूमिनियम या फिर प्लास्टिक। तो आपका राइट आंसर होगा जैव निम्नीकरण है वो कागज हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। 39 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। यदि विरंजक चूर्ण को हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होता है, उसकी ऑक्सीजन क्रमशः समाप्त हो जाती है या फिर उसकी क्लोरीन क्रमशः समाप्त हो जाती है या फिर वह गहरे भूरे रंग का हो जाता है या फिर वह पीले रंग का हो जाता है। तो 39 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा उसकी क्लोरीन क्रमशः समाप्त हो जाती है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आर्सेनिक प्रदूषण से होता है, आर्सेनिक प्रदूषण से होता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, डिसलेक्सिया या फिर पत्युजरता जिसे हम एलर्जी बोलते हैं या फिर वाइट फुट रोग या फिर ब्लैक फुट रोग। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ब्लैक फुट रोग, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आर्सेनिक प्रदूषण से ब्लैक फुट रोग होता है। 41 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विषम पद यानी जो कि अलग है सबसे वो चुनना है, ईंधन की लकड़ी, विद्युत या फिर पेट्रोलियम या फिर कोयला। तो आपका राइट आंसर होगा विद्युत, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो। अल्कोहलिक किण्वन बनाया जाता है वायरस द्वारा, खमीर द्वारा, छत्रक द्वारा या फिर अमीबा द्वारा। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा खमीर यीस्ट द्वारा, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। खमीर को यीस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, यीस्ट भी बोला जाता है यीस्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, परमाणु न्यूक्लियस बने होते हैं इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों से या फिर प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों से या फिर प्रोटोनों और इलेक्ट्रॉनों से या फिर प्रोटोनों और आइसोट्रोनों से। तो 43 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो जो परमाणु न्यूक्लियस है वो प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों से बने होते हैं, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा।
44 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है, क्वेश्चन है तरल अवस्था में पाया जाने वाली ए धातु कौन सी है, ब्रोमीन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन या फिर क्लोरीन। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ब्रोमीन, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, जो कि तरल अवस्था में पाए जाने वाली ए धातु है। एरोसोल का एग्जाम्पल बताओ, धुआं या फिर रुधिर या फिर दूध या फिर नदी का जल। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा एरोसोल का उदाहरण है वो हो जाएगा धुआं, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है, क्वेश्चन है प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है, एल्यूमिनियम, आयरन, सिलिकॉन या फिर यूरेनियम। तो आपका राइट आंसर होगा यूरेनियम, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खदानों में अधिकांश विस्फोट किसके मिश्रण के कारण होते हैं, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ या फिर ऑक्सीजन का एसिटिलीन के साथ या फिर मीथेन का वायु के साथ या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का इथेन के साथ। तो 47 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा खदानों में अधिकांश विस्फोट है वो मीथेन का वायु के साथ होता है, मीथेन का वायु के साथ जब मिश्रण होता है तब होता है, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन देखो, अम्ल वर्षा के बनने का कारण बताओ भी, जल प्रदूषण है या फिर ध्वनि प्रदूषण है या फिर भू प्रदूषण या फिर वायु प्रदूषण। तो आपका राइट आंसर होगा वायु प्रदूषण, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन देखो अभी आपके सामने है, क्वेश्चन है हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल की उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है, द्विध्रुवीय रोधन के कारण या फिर वंडरवाल्स आकर्षण के कारण या फिर ध्रुवीय संयोजन आबंधन के कारण या फिर हाइड्रोजन आबंध के कारण। तो 49 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हाइड्रोजन आबंधन, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटोनों की संख्या या फिर उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने 50 क्वेश्चन कवर किए हैं, सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करना दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जैसे ही क्लासें लगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप तुरंत तो उसका लाभ उठा सको। तो ज्यादा से ज्यादा क्लासों को शेयर किया करो भी, और ज्यादा से ज्यादा क्लासों को लाइक किया करो, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, अन्य दोस्त जुड़े, पढ़ने और पढ़ाने का मजा आए, है ना। तो आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।